नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर एक वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें साथ में कृषि प्रवेशक है, उसके अंदर 5000 प्लस पद है। अगर आप चाहते हो तो कृषि प्रवेशक के फॉर्म भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट बात करें तो लास्ट डेट आपकी 14 फरवरी है। उससे पहले पहले आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बात करें तो सबसे पहले कृषि प्रवेशक पदों के बारे में अगर बात करें तो कृषि प्रवेशक इसके 5000 प्लस पद है। कृषि प्रवेशक के 5239 पद है। इसके साथ में बाकी पोस्टों पर कृषि विकास अधिकारी है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो। इसमें कुल पोस्टों की बात करें तो 10,970 पोस्ट है। इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी अगर चयन की प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 200 रुपये, बाकी एससी एसटी के लिए 100 रुपये। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आपको सबसे पहले www.agri.recruitment.nic.in पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस लिंक पर आपको सबसे पहले विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर इस साइट को खोलना है, और उसके बाद में योग्यता की बात करें तो अलग अलग है। सबसे पहले कृषि विकास अधिकारी की अलग अलग हैं, और साथ में सबसे पहले बात कर लेते कृषि प्रवेशी आपको 12th पास होनी चाहिए और एग्रीकल्चर से वो भी। इसके अलावा बाकी के अपने जो भी आप वैकेंसी का चाहते हो उसको आपको देख लेना, कौन सी वैकेंसी के कितने पोस्ट है और कौन सी आप फॉर्म भरना चाहते हो। उसके बाद में साथ में आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, पहचान पत्र, अपनी फोटो और अपने सिग्नेचर होने चाहिए। साथ में जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है इस वैकेंसी संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो का पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर 14 फरवरी से पहले आपको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना है।